दीजिए। हमने दोनों बड़ों की अपनी बात सुन ली, आशीर्वाद हमें मिल गया। आज की रात के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, आप तक भी पहुंच गई है। लेकिन ये एनर्जी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए, ये एनर्जी आउटपुट में निकल के आए, इसके लिए एक बड़े ट्रांसफार्मर की जरूरत है। और वो बड़ा ट्रांसफार्मर हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास है ना। तो बुलाने जा रहा हूं आपके दिलों की धड़कन, आपके घरों तक खुशियां पहुंचाने वाले, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाने वाले, आपके कांधे से कांधा मिलाकर साथ चलने वाले, आपका हौसला बढ़ाने वाले, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके प्यारे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त और मेरे साथ इस मैराथन मुशायरे का ख्वाब देखने वाले यूथ आइकन गर्वित परिवार के मुखिया, हम सब के चहीते भाई संजय भाटी। नमस्कार। सम्मानित मंच, अब मुझे माफ करें मेरी उन गलतियों के लिए जो मैं यहाँ से बोलते हुए कर रहा हूँ। इस गुस्ताखी की क्षमा इन सबसे कि इनके सामने बोलने की जो हिमाकत या जो गलती मैं कर रहा हूँ। पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप बड़े बुजुर्गों के सम्मान में कम शोर मचाते हैं और मेरे नाम पे ज़्यादा शोर मचाते हैं तो मुझे एहसास हो जाता है कि ये पक्षपात है। इस बार का शोर इस सम्मानित मंच के लिए। ये जो हमारे बुजुर्ग है ना, ये हमें समझदार आदमी ढूंढने आज यहां नहीं आए हैं, ये हमें ढूंढने आए हैं वो शैतान बच्चा जो शरारते करता है, वो शैतान बच्चा जो नाचता है, गाता है, उछलता है, कूदता है। अगर 101 घंटे के लिए आशीर्वाद आज मिला है और अगली बार 200 घंटे की बात हुई है तो क्या मैं ये वादा कर लूं? क्योंकि इस मैराथन मुशायरे की सफलता जिन तीन चीजों पर निर्भर करती है उनमें एक ये सब बेकार की चीजें हैं जो आपके चारों तरफ लगी हुई हैं, ये स्टेज, ये लाइटें, ये ऊपर का मचान, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये इन चीजों पे डिपेंड नहीं करती है, ये जिस महत्वपूर्ण चीज पे डिपेंड करती है इसकी सफलता, वो है हमारा सम्मानित मंच। और अगर किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंसी है तो वो है आप लोगों का शौक, आप लोगों का मन और आप लोगों की मजबूती और आप लोगों का शोर शराबा। और अगर ये शोर इसी तरीके से कम होता रहा ना तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं माफी मांग लूंगा कि मैं 200 घंटे तो नहीं कर पाऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं कि आपको वो सब समझ में नहीं आएगा जितना सब ये समझाएंगे यहां से। तो मैं एक तरीका बता सकता हूं कि आप इनको बता दो कि वो हमें समझ में आ गई ये बात। और वो तरीका क्या है? जो बात समझ में आए उस पर खूब शोर मचाओ। ये बात समझ में नहीं आई ना, तो मैं ये बोल रहा हूं जो बात समझ में आए उस पर खूब शोर मचाओ और जो बात समझ में नहीं आए उस पर और ज्यादा शोर मचाओ। इज्जत आपके हवाले भाइयों, ये आपका प्यार जो यहां बोल रहा है, मैं 101 घंटे तक ऐसे ही देखना चाहता हूं। और फिर मेरी वो दो लाइन, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे, क्या हमारे। जय हिंद।